हेलो स्टूडेंट्स, आज पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट वीडियो है और इसमें जब अपन संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे और संविधान के बारे में पढ़ा था कि संविधान कैसे बना, किस तरह बनाया गया और क्या प्रक्रिया रही, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। तो अपने आज जो टॉपिक चल रहा था उसमें जो अपन ने अलग अलग विशेषताएँ जो पढ़ी थी उन्हीं में से कुछ विशेषताएं और सबसे पहले पढ़ी थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। इसका मतलब मैंने बताया था कि अपना जो संविधान है वो जनता के द्वारा निर्मित है और जनता के लिए है। कहने का मतलब है हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना, इसमें संविधान के लक्ष्यों उद्देश्यों के बारे में कहा गया है, यानी संविधान में क्या क्या बातें जोड़ी गई है, संविधान किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, उन सभी बातों को इस अपनी प्रस्तावना के माध्यम से यानी संक्षिप्त रूप में, जैसे हम भारत के लोग, गणतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ऐसी जो विचारधाराएं, ये सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और कानून, समानता, स्वतंत्रता जैसे जो भी अपने संविधान में जोड़ी गई विशेषताएँ हैं वो प्रस्तावना में भी है। तो प्रस्तावना को अपने डॉक्टर के मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है और प्रस्तावना के महत्व को इंगित करते हुए इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। तीसरा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। इसके अपन चर्चा कर रहे थे कि अपना जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। वैसे मैंने बताया था कि अमेरिका जो यूएस है इसके संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा जो संविधान है उसके 128, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया 147। तो अलग अलग देशों में अलग अलग संविधान के अनुच्छेदों की संख्या अलग अलग है। भारत के संविधान में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 हो गई और 22 की जगह 24 भाग हो गए। तो वर्तमान में 24 भाग, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद उसमें है, लेकिन वर्तमान में दिन दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अनुच्छेदों की संख्या भी लगभग 470 के आसपास इनकी संख्या हो चुकी है, बार बार संशोधन करने पर, परिवर्तन करने पर। तो ये 304 अनुच्छेद और 8 अनुसूची 22 भाग ये अपने मूल संविधान में थे। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और निर्मित किया गया। दूसरी चीज, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल है, आराम से, जैसे इसमें कठोर लचीलापन है, संशोधन किया जा सकता है। तो भारत का संविधान है वो सबका विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इसमें अधिक अनुच्छेद अनुसूचियां हैं। अब जो चौथी विशेषता है वो है निर्मित संविधान। अपने संविधान को, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो अपना संविधान क्या है, निर्मित संविधान है। इस संविधान को बनाने में जो अलग अलग भूमिका थी, अपने देश की जो प्रस्तुतियाँ थी, उस प्रस्तुति के अकॉर्डिंग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन की व्यवस्था भी की गई है, अर्थात इसमें बदलाव किया जा सकता है कि समय और प्रस्तुति के अनुसार अपने संविधान में बदलाव किया जा सकता है। संविधान में बदलाव करने की अलग अलग विधियाँ हैं। वैसे अपने अनुच्छेद संख्या है 368, जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया है, जिसमें 3 बिंदु बता रखे हैं, 3 विधि के तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है। तो सामान्य विधि, एक विशेष विधि, एक तीसरी है विशेष और बहुमत वाली विधि। इसके आधार पर भी इसको परिवर्तन किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके कारण अपना संविधान क्या है, निर्मित संविधान है। पांचवी जो विशेषता है, संसदीय शासन व्यवस्था जो ब्रिटेन से ली गई है, ये अपने संविधान में जो विशेषता है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था, इसका मतलब ये होता है कि
जो कार्यपालिका होती है, क्या होती है कार्यपालिका, ये संसद के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? संसद के अधीन। कार्यपालिका संसद के अधीन होती है। जैसे संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में जिस दल को पूरा बहुमत मिलता है, लोकसभा में जिस दल को पूरा बहुमत मिलता है, तो उस बहुमत जो दल है, बहुमत प्राप्त जो दल है, उसका जो प्रमुख नेता है वो प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया जाता है, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। तो ये जो कार्यपालिका बनती है, जिसको मंत्रिपरिषद भी कहते हैं, इसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और इसके सदस्य अन्य मंत्री। तो कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है? मंत्री और प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री कार्यपालिका की अध्यक्षता करता है। कार्यपालिका भी दो तरह की है, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक संवैधानिक कार्यपालिका। राष्ट्रपति जो होता है वो पद और प्रतिष्ठा के आधार पर सम्मानित पद है, और साथ में ये जो संवैधानिक जो प्रधान है के रूप में कार्य करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कार्यपालिका वास्तविक शासक होता है और वो ही कार्यपालिका संबंधी कार्य करता है। तो ये कार्यपालिका जो लोकसभा में जब तक विश्वास प्राप्त रहता है, संसद में विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक कार्यपालिका बनी रहती है। और इसमें अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और वो पारित हो जाता है, तो ये कार्यपालिका समाप्त हो जाती है। तो ये पूरी तरह से कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो इसलिए इस व्यवस्था को कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं जो शामिल की गई है, जो अन्य देशों के संविधानों को ध्यान रखकर पढ़कर और उनको भी अपने संविधान में शामिल किया गया है। तो उन्हीं में से एक विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था, जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऐसे विधि का शासन, वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता, वो ब्रिटेन के संविधान से है। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था है। संसद के अधीन होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति पद और प्रतिष्ठा के आधार पर सम्मानित पद होता है, वो केवल संवैधानिक प्रधान है। क्या है? संवैधानिक प्रधान। तो ये है संसदीय शासन व्यवस्था। अब है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। मूल अधिकार व मूल कर्तव्य अपने संविधान में, मूल अधिकार को भी संविधान में शामिल किया गया है, और जिनका वर्णन अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक है। जिनका वर्णन 12 से 35 तक है, वाक संख्या 3 में। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य यह अलग पढ़ेंगे अपन। सबसे लेते पहले मूल अधिकार, यह अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक है। शुरू में अपने संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें से एक मौलिक अधिकार कौन सा? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। उसमें परिवर्तन कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। वर्तमान में अनुच्छेद संख्या 300A में है। पहले अनुच्छेद संख्या 21 में था। तो ये अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, और 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें वर्तमान में 6। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया। वर्तमान में अनुच्छेद 300A में रखा गया है।
और आज वर्तमान में छह मौलिक अधिकार आ गए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शिक्षा का, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद संख्या 32 में है, अनुच्छेद संख्या 32। अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है या अधिकार का छीना जाता है तो उस स्थिति में आप उसको किसी न्यायालय में उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद संख्या 32 में जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है जिसके तहत आपको संरक्षण प्राप्त होता है। तो ये मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य जो पहले संविधान में शामिल नहीं थे। वैसे मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए, इसके संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिए गए। मूल कर्तव्य ये रूस से, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, जो पहले अपने संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े। शुरू में ये 10 मौलिक कर्तव्य थे, जैसे राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का सम्मान करना और इसके अलावा भाईचारे से संबंधित विचारधाराएं रखना। ये जो अपने मौलिक कर्तव्य थे वो उस समय 10 थे, लेकिन वर्तमान में ये 11 है। वर्तमान कितने हैं, 11। और 86 संविधान संशोधन के द्वारा जो 2010 में लागू किया गया, 86 संविधान संशोधन द्वारा जो 2010 में लागू किया गया, इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, एक गार्जियंस का कर्तव्य है कि वो बच्चे को वो शिक्षा दिलवाए। मौलिक कर्तव्य जो शुरू में 10 थे वर्तमान में कितने हैं, 11। जो मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन जो 2010 में लागू हुआ था और दिसंबर 2002 में इसको संशोधन के लिए रखा गया था और 2009 में इसको पारित किया गया था संसद के द्वारा। तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए ये गार्जियंस का कर्तव्य है, अभिभावक संरक्षक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो ये 11वां मूल कर्तव्य है। तो ये अपनी छठी विशेषता थी, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। दोबारा करो, मूल अधिकार अपने अमेरिका के संविधान से लिए गए, अपने संविधान में शामिल किया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से, सोवियत संघ से लिए गए। मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक है और इनकी शुरुआत में संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया है, जो वर्तमान में अनुच्छेद संख्या 300 ए में है। और इसमें 6 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और छठा जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको अनुच्छेद संख्या 32 में रखा गया है, जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी उसको संविधान की आत्मा कहा है कि अन्य जो 5 अधिकार है उनकी सुरक्षा और उनको हनन से रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के माध्यम से रिट जारी की जा सकती है। वहाँ पर हनन हुए व्यक्ति जो भी है वो उसकी शिकायत कर सकता है। तो 5 प्रकार की रिट न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, उन अधिकारों की संरक्षण किया जाता है। ये मौलिक अधिकारों से समझो अगला चैप्टर है, उसमें अपन इसको विस्तृत पढ़ेंगे, कर्तव्यों के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। इसके अलावा मूल कर्तव्य जो संविधान में पहले शामिल नहीं किए गए थे लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको संविधान में शामिल किया गया। इनकी संख्या शुरू में 10 थी, मैंने बताया कि मौलिक कर्तव्य जो है वो 24 संघ रूस से संविधान से लिए गए हैं, जिसमें जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय गानों या राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना, इसके अलावा ये जो भाईचारे से संबंधित विचारधाराएं रखना,
और राष्ट्रीय प्रति को राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा 86 संविधान संशोधन 2010 के द्वारा अपने संविधान में 11 मूल कर्तव्य भी शामिल किया गया है, और वो कौन सा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। और इसके अलावा ये जो मौलिक अधिकार है उसी में अपने स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसमें भी शिक्षा से संबंधित अधिकार को जोड़ा गया है, और उसको 21A में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया, अनुच्छेद संख्या 21A में, और उसमें कहा गया है कि बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, और सबको ये अधिकार है, और वो स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है। इसके बाद में है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, इसके संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए, और इनको अपने संविधान में शामिल किया भाग संख्या 4 में, भाग संख्या 4 में इनको शामिल किया गया है। और इनका मतलब क्या है, जैसे मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, वैसे ये नीति निर्देशक जो तत्व बने हुए वो राज्य के लिए सरकारों के लिए है, ये संस्था जो बनी हुई है सरकार जो प्रतिनिधि बने हुए उनके लिए है, कि एक प्रतिनिधि एक संस्था के द्वारा जैसे विधानसभा है विधानमंडल है उनके द्वारा कार्यपालिका है व्यवस्थापिका जो भी राज्य में जो बनी हुई है उनके माध्यम से किस तरह का कार्य करना चाहिए आर्थिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में, तो किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए लोगों के लिए राज्य की व्यवस्था के लिए, तो इसके लिए अपने भाग संख्या 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए। इनको जैसे मानना न मानना सरकार पर डिपेंड करता है, ये वाद योग्य नहीं, सरकार इनको स्वीकार भी कर सकती है और सरकार इनको स्वीकार भी नहीं कर सकती, ये वाद योग्य नहीं है, और न्यायालय में भी इनकी शिकायत या मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, कल्याणकारी योजनाओं से, और उन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है, और राज्य सरकार उनको नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल करती है। तो इस प्रकार अपनी ये 7 विशेषताएं हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है समाजवादी राज्य। नेक्स्ट तो विशेषता है समाजवादी राज्य। ये जो 7 विशेषताएं हो गई, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन 8वीं और अगली विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, और इनके बारे में जो विशेषताएं जो संविधान के या टारगेट सेक्शन संस्थान संबंधी जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट के हो या अन्य सब्जेक्ट के हो, उनका आप गौर करके पढ़े सुने ध्यान से और उनके माध्यम से अपने नोट्स से बनाएं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अगली विशेषताओं का अपन जिक्र करेंगे। धन्यवाद।